इलाहाबाद खंड के राजस्थान की सीमा से डटे गांव करमशाना, मिठनपुरा, किशनपुरा, ढाणी शहरा, खारी सुरेरा, ढाणी जयकरण, ढाणी सिंधु सहित नीमला के पीने के पानी की मांग व सिंचाई पानी की मांग को लेकर 137 दिनों तक धरने पर बैठे थे। धरने पर सरपंच प्रतिनिधि ढाणी शहरा नथुराम बरावड़, मिठनपुरा सरपंच रामकुमार गोदारा, किसान नेता रमेश सहारन की अध्यक्षता में बनी किसान कमेटी को हरियाणा सरकार सीएम ऑफिस चंडीगढ़ से इस बाबत बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा गया, जिस पर किसानों की कमेटी सोमवार को चंडीगढ़ सीएम हाउस पहुंची और अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष रखा, जिस पर बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, आपके क्षेत्र में पीने के पानी व सिंचाई पानी की समस्या को इलाहाबाद उपचुनाव के बाद एक कमेटी बनाकर जल्द ही प्रोजेक्ट को नए सिरे से लागू कर आपकी समस्या का स्थायी रूप से समाधान करवा दिया जाएगा। इस बीच किसानों व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच काफ़ी देर तक इस मुद्दे पर बातचीत चलती रही और आखिर सीएम के आश्वासन के बाद किसान राजी हुए और सीएम का धन्यवाद करते हुए वापस धरना स्थल पर पहुंचे और आज धरने के 138 दिन किसानों की मीटिंग हुई, जिस पर किसानों ने अपने आप धरने को समाप्त करने के लिए राजी हुए। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेशानुसार बीजेपी नेता जगदीश चोपड़ा मंगलवार ठीक 2 बजे 138 दिनों से चल रहे इस किसान धरने को समाप्त करने के लिए पहुंचने वाले थे, परंतु किसान कमेटी का यह भी कहना है कि उन्होंने बीजेपी नेता जगदीश चोपड़ा को फ़ोन कॉलिंग के माध्यम से बोला था कि वह धरने पर न पहुंचे, उनका किसान विरोध करेंगे, लेकिन जगदीश चोपड़ा धक्के से धरने पर पहुंचकर धरने को समाप्त करने की बात कही तो किसानों का रोष सातवें आसमान पर पहुँच गया और किसानों ने जगदीश चोपड़ा का पूर्ण रूप से विरोध करने की ठान ली। जैसे इस बात की खबर धरने की कमेटी के माध्यम से जगदीश चोपड़ा तक पहुंची, उन्होंने यहां पर आने के लिए मना कर दिया, परंतु वीडियो कॉलिंग के माध्यम से धरने को समाप्त करने की बात कही। किसानों ने फिर भी कहा कि हम उनके हर एक तरीके का विरोध करेंगे। विरोध करने वाले किसानों ने कहा कि वह बीजेपी, जेजेपी व अन्य सभी सहयोगी दलों का हर प्रकार से विरोध करेंगे, लेकिन धरने को समाप्त या तो किसान कमेटी खुद करे या फिर किसी भी प्रकार के सरकारी अधिकारी को सरकार अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजे और इस धरने को समापन करवाए, फिर हम हरियाणा सरकार स्वागत और धन्यवाद भी करेंगे। धरना बिल्कुल जी, आपको बता दें कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा का एक अंतिम स्वर सटा हुआ क्षेत्र है जो कि राजस्थान की सीमा लगती है। धरना समाप्त किया है जी, इस पर धरना समाप्त किया है। 135 दिनों से धरना चल रहा था। कल हमारे यहाँ धरने की कमेटी सीएम चंडीगढ़ पहुंची और वहाँ कमेटी ने जो उनके समक्ष मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ बातें रखी, हमारी जो मांगें थी उन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगें हैं वो इस उपचुनाव के बाद में जरूर पूरी कर देंगे हम। तो किसानों ने कहा भी ठीक है, हम आपको ये आश्वासन आपसे लेकर के जा रहे हैं और ये धरना हम समाप्त कर देंगे। लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जगदीश चोपड़ा है वो जिला के अपने बीजेपी के जो लीडर है वो आएंगे और धरना उठवा देंगे। लेकिन यहाँ पर कमेटी ने फैसला किया, बार बार जगदीश चोपड़ा को फ़ोन किया भी सर आप ना आइएगा, हम धरना अपने आप उठा देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ फ़ोन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके पास हमारे एक तरह से प्रूफ भी है उस चीज़ का। लेकिन उसके बीच किसानों ने ये भी कहा भी आप मत आना, लेकिन वो धक्के से बोले हम 2 बजे प्रोग्राम में पहुंचेंगे। तो उनको जैसे इस चीज़ का मैसेज लगा भी किसान भारी विरोध करेंगे और वहाँ पर आना ठीक नहीं है। उनके बाद आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस धरने को उठाया। हम नहीं मानते उनको, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धरने को उठाया है। हम मानते हैं धरना हमने शुरू करवाया था, 6 गाँव के किसानों ने शुरू किया था और 6 गाँव के किसानों ने धरने को उठाया है। हमने उनको पहले ही बोला था कि बीजेपी जेजेपी का जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है हम आपका पूर्ण रूप बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन आप नेहरी विभाग का कोई भी अधिकारी है, चीफ से लेकर के SC ST जेई बेलदार जो मर्जी आए या आप कोई भी गाँव के चौकीदार को भेज दें। आपने धरना समाप्त कर दिया या नहीं? धरना समाप्त कर दिया है हमने इन किसानों के साथ, लेकिन जगदीश चोपड़ा जो बीजेपी के लीडर है सीएम के आश्वासन पर किया है, लेकिन जगदीश चोपड़ा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धरने का बिल्कुल भी समाप्ति नहीं है। किसानों ने खुद ने अपनी मर्जी से किया है। हम बीजेपी जेजेपी और उनके सहयोगी दल जो भी आज किसान आंदोलन के विरुद्ध में है उनका पूर्णतः बहिष्कार कर रहे हैं। गांव में जब भी आएंगे हम उनका चंपलों की माला के साथ, काले झंडों के साथ भयंकर रूप से स्वागत करेंगे। धन्यवाद।